हेलो फ्रेंड्स, अभी रात के 9:15 हुआ है। 4th of November, एनएफपी डेटा जो है वो 6 PM को आ चुका है। एनएफपी डेटा जो भी आया है, वट एवर द फिगर, एवरीबडी नोज दैट वन। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज जो दिखाना चाहता हूँ कि हाउ द टेक्निकल एनालिसिस कैन प्रेडिक्ट एन इम्पोर्टेंट डेटा और एन इवेंट। अभी यहाँ पे देखिए, नीचे तरफ 9:16, 4th of November 2022, एनएफपी डेटा से पहले मॉर्निंग में आपका ये 113 90 112 90 113 के आसपास था। उसके बाद ये ड्रॉप किया एंड अभी है 111.42। आज अगर आप मेरा मॉर्निंग करेंसी एनालिसिस देखोगे, जो मेरा बरुआज वे चैनल में मॉर्निंग में 8 बजे मैंने पब्लिश किया था, ये वाला डॉलर एसेंस स्टर्लिंग स्लम्स ऑन लोअर रेट एक्सपेक्टेशंस, तो उसका वहां पे आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने क्या डिसाइड किया था उसको थोड़ा देख लेते हैं एक बार। तो ये है मॉर्निंग का जो हमारा एनालिसिस था। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 3:03:42 में हमने डॉलर इंडेक्स के बारे में क्या एंटिसिपेट किया था। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स डाल रहे, तो ये जो रिजेक्शन एरिया मीन्स अभी का करंट एरिया है, ये 61.8% रिट्रेसमेंट पे है फ्रॉम दिस हाई टू दिस। बेसिकली दिस इज ए मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेवल विथ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। तो एनएफपी डेटा एंड ये जो आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स ऑफ डॉलर इंडेक्स है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से नीचे डॉलर इंडेक्स आने का बहुत ज्यादा संभावना है आफ्टर एनएफपी। अभी तो ये देखोगे, मॉर्निंग सुबह 7:01 में मैंने ये डेटा एनालाइज किया था एंड वीडियो बनाया था, जहां पे हमारा ये एंटिसिपेशन था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, उसके बाद ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, रोल रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड लाइन, सब कुछ मिला के देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि डॉलर इंडेक्स आफ्टर एनएफपी डेटा नीचे के तरफ सेल ऑफ होना चाहिए। अभी और एक बार देखते हैं पूरा एनालिसिस डॉलर इंडेक्स का। डॉलर इंडेक्स अभी है 112.90 पे। So, आज का इम्पोर्टेंट एनएफपी डेटा इसीलिए है कि दिस विल डिसाइड डॉलर इंडेक्स क्या प्रीवियस हाई के ऊपर जाएगा या यहां से फॉल बैक करेगा। अभी यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पहले था, अभी रेजिस्टेंस क्या बन रहा है या नहीं, रोल रिवर्सल में क्या ये आज एनएफपी डेटा के बाद ये रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करेगा, रेस्पेक्ट करके नीचे के तरफ आएगा या ऊपर के तरफ जाएगा, रोल रिवर्सल होने वाला है या नहीं, वो हमें देखना है। ये यहाँ पे आपका अगर हम ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स डाल रहे, तो ये जो रिजेक्शन एरिया मीन्स अभी का करंट एरिया है, ये 61.8% रिट्रेसमेंट पे है फ्रॉम दिस हाई टू दिस। बेसिकली दिस इज ए मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेवल विथ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। तो एनएफपी डेटा एंड ये जो आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स ऑफ डॉलर इंडेक्स है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से नीचे डॉलर इंडेक्स आने का बहुत ज्यादा संभावना है आफ्टर एनएफपी। अभी डॉलर रुपी में आते,
यहाँ पे आप देख रहे हो कि टेक्निकल एनालिसिस में मींस मेजर इवेंट्स काफी हद तक हम एंटीसिपेट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट नहीं एंटीसिपेट कर सकते हैं। ये लाइव मार्केट है, डॉलर इंडेक्स अभी है 111.42 एंड मॉर्निंग में 113.04 05 लेवल्स में था। वहां से आफ्टर द एनएफपी डेटा ये कितना सेल ऑफ आया है। तो ये जो ट्रेंड सब मिस ट्रेंड लाइन रोल रिवर्सल, पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था एंड नाउ इट इज वर्किंग एज ए रेजिस्टेंस एंड आल्सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स यहाँ पे आ रहा था 61.8% में, वहां पे एक अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी था। हालांकि डॉलर इंडेक्स हम ट्रेड नहीं कर सकते बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सिग्नल। अगर इसी में सिमिलर टाइप ऑफ सिग्नल्स हमें अदर ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मिलता तो हम बहुत अच्छे तरह से जस्ट बिफोर ए मेजर इवेंट लाइक एनएफपी डेटा हम उसको ट्रेड कर सकते थे। तो यहाँ पे ये दिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ कि हाउ टेक्निकल एनालिसिस ऑन सेवरल इम्पोर्टेंट इवेंट से पहले हम उसको एंटिसिपेट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ पे मेरा प्रयास ये बिल्कुल नहीं है कि मैंने प्रेडिक्ट किया नहीं किया, लेकिन आप लोगों के सामने ये बताना चाहता हूं कि इफ यू कैन लर्न एंड फोकस ऑन टेक्निकल एनालिसिस ऑन सेवरल ओकेशंस यू कैन कम टू नो व्हाट मे बी द मेजर आउटकम ऑफ एन ऑनगोइंग और अपकमिंग इवेंट। सो अभी के लिए इतना। थैंक यू।